हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल जो कि छोटे माथे के लिए बेस्ट रहेगा। तो छोटे माथे पे अगर आप कोई हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हो और थोड़ा स्टाइलिश भी लगे तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलिए छोटे फोरहेड के लिए, शॉर्ट फोरहेड के लिए आप कैसे बनाओगे ये हेयर स्टाइल, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि किसी तरीके की नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो इसको जो स्टार्ट करना है फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ओके, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बीच वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ ही छोड़ेंगे क्योंकि जो ये चोटी है उसको उल्टी चोटी बोलते हैं हम लोग। उल्टी तरफ से ये जाएगा और जितना भी चोटी का डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ आएगा, जिससे कि लुक काफ़ी प्यारा आने वाला है। तो वीडियो एंड तक वॉच करते रहिएगा और बहुत सारी मेकअप ट्यूटोरियल्स और शॉर्ट हेयर कट की वीडियो अपलोड हो गई है। मेरी बेटी के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे तो उनको मैंने बिल्कुल ईयर लेंथ से भी छोटा कर दिया है, तो आप देखिए वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े बाल इसमें ऐड करते जाना है और फ्रेंच चोटी बनाते जाएंगे दोनों साइड से। थोड़े थोड़े हेयर को इसके साथ चोटी के साथ रूपते जाएंगे इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आपको ईयर तक, मतलब कान तक पूरे हेयर को गूंथ के लाना है चोटी को। मैंने यहाँ पे लेयर्स नहीं निकाला है, आपको निकालना होगा तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन छोटा फोरहेड है तो लेयर नहीं निकालोगे तो भी काफ़ी प्यारा लगेगा। तो छोटे फोरहेड पे आप लेयर ना ही निकालो, अच्छा लगेगा आपका लुक। तो इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े हेयर लेके ईयर के पीछे तक चोटी को गूंथ लिया है। अब इसको हम लोग होल्ड कर देंगे ताकि ये क्लिप्स लगा के, ताकि ये मतलब खुल ना जाए, और दूसरी साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने बना लिया है और थोड़ा थोड़ा सा हेयर को, चोटी को हम लोग खींचेंगे जिससे कि चोटी का जो लुक है वो और भी प्यारा दिखेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे जिससे चोटी का जो लुक है और भी प्यारा दिखेगा। इस तरीके से मैं यहाँ पे गूंथ ली हूँ। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे गूंथना। तो दूसरी साइड छोटी बनाने के लिए आपको इस तरीके से लेयर को लेना है, थ्री पार्ट्स में इसको भी बनाएंगे। और जैसे हमने उधर से स्टार्ट किया था, बीच वाले पार्ट को ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और साइड वाले दोनों पार्ट्स को नीचे की तरफ से लेते जाएंगे। ओके, इस तरीके से पूरा गूंथ लेने के बाद से जैसे इधर बनाया था हमने सेम टू सेम वैसे ही बना लेना है। और दोनों पार्ट्स को एक साइड साथ रखेंगे और एक साइड में जो हमने क्लिप लगाया था उसको निकाल देंगे। अब इनको फ्रेंच खजूरी चोटी जो हमारी होती है वो बनाएंगे। पूरी प्रॉपर पतली पतली बनाओगे तो भी प्यारी लगेगी, और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे भी आप कर सकते हो। दोनों हेयर को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और पतला पतला सा लेयर लेके बीच में एकदम सेंटर में ला के चोटी बनाते जाएंगे। लंबे बाल हैं तो बहुत ही कमाल का लगने वाला ये हेयर स्टाइल, और अगर शॉर्ट्स हैं तो भी अच्छी लगेंगी, और आप नकली चोटी भी ऐड कर सकते हो इसमें। नकली चोटी कैसे ऐड करनी है अगर आप जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊंगी कि नकली चोटी कैसे ऐड करनी है आपको असली वालों में। तो इस तरीके से गूंथते जाएंगे सिंपल चोटी की तरह, मतलब थ्री पार्ट्स में रहेगा लेकिन मतलब बिल्कुल पतला पतला लेयर लेके आपको गूंथते जाना है चोटी को इस तरीके से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से पूरी चोटी को मैं बना लूँगी और जो फाइनल लुक होगा अभी मैं आप लोगों का शेयर करूँगी। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लेयर लेके एंड तक मैंने गूंथ लिया है। अब एक रबड़ बैंड लेंगे और नीचे में रबड़ को लगा देंगे। यहाँ पे मैंने इस तरीके का रबड़ बैंड लिया है, एंड लगा दिया। और अगर आपके बाल भी पतले हल्के हैं तो आप चोटी को कुछ इस तरीके से खींच सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बालों में वॉल्यूम दिखेगी और चोटी भी आपकी घनी और मोटी दिखेगी।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरीके की हेल्पफुल ईजी मेकअप ट्यूटोरियल्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड और वीडियोज़ मेकअप आर्टिस्ट जैसे मेकअप करते हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे सेकंड चैनल पर भी जरूर जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नेम है। और कैसा लग रहा है आपको हेयर स्टाइल का फाइनल लुक, आई होप कि पसंद आया। तो प्लीज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा जरूरत है मुझे। थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिनका भी शॉर्ट फॉरहेड है।